ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी, और चलिए अब आपको दिखाते हैं 8 मिनट में 80 खबरें। बिहार के बक्सर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, गोदाम में कहीं पर भी नहीं थे आग बुझाने के उपकरण। मुंबई में हीरा कारखाने में लगी भीषण आग, आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कोलकाता में परफ्यूम गोदाम में लगी आग, काफी दूर से नजर आई आग की लपटें। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मेरठ के परतापपुर में रैपिड रेल निर्माण के दौरान हादसा, क्रेन का पट्टा टूटने से नीचे गिरा जाल, 3 मजदूर घायल। मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट, दुकान में घुसकर कई लोगों ने की हाथापाई। यूपी के बाराबंकी में रील बनाते समय हादसा, ट्रेन की चपेट में आया युवक। आज से महंगा मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर, तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाए 209 रुपए। लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है आदित्य एल1, अब तक तय की गई है 9.2 लाख किलोमीटर दूरी। आदित्य एल1 पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकला है, सूर्य के एल1 की ओर तय कर रहा है रास्ता। झारखंड के गिरिडीह में नदी के बीच चट्टान में फंसी 2 छात्राएं, जलस्तर बढ़ने पर जान बचाने के लिए चट्टान पर चढ़ी। बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया था नदी में पानी, नदी के बीच रस्सी डालकर बचाई गई दोनों छात्राओं की जान। तमिलनाडु के अंबूर में मूसलाधार बारिश, कुछ ही देर की बारिश में तालाब नजर आने लगी शहर की सड़क। मौसम विभाग ने की मॉनसून सीजन के खत्म होने की घोषणा, इस साल दर्ज की गई है सामान्य बारिश। उत्तराखंड की टिहरी में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़कर सिर मुंडवाया। आज सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान, पीएम ने लोगों से की थी अपील। स्वच्छता संकल्प सप्ताह के तहत नॉर्थ सेंट्रल रेलवे चलाएगा स्वच्छता अभियान, प्रयागराज मंडल में 300 स्थानों पर मुहिम। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी का आज तेलंगाना द्वारा 12:30 बजे 12,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा करप्शन और कुशासन में डूबी कांग्रेस सरकार। टीएस सिंहदेव का पलटवार, कहा पीएम करप्शन का आरोप न लगाए, जानकारी है तो सार्वजनिक करें। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे का पलटवार, बोले सिर्फ झूठ बोलने आए थे पीएम। सीएम भूपेश बघेल का बयान, पीएससी परीक्षा को लेकर विरोधी दल सिर्फ कर रहे हैं बयानबाजी, नहीं मिली कोई भी शिकायत। एमपी में राहुल का बीजेपी पर निशाना, कहा महाकाल कॉरिडोर में फंड चोरी किया, किसानों को नहीं दिया सही दाम। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का राहुल पर पलटवार, कांग्रेस फैलाना चाहती है झूठ और फरेब की राजनीति। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल का राहुल पर निशाना, कहा राहुल क्या बोलते हैं उन्हें खुद मालूम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, जिस पार्टी ने हमेशा हिंसा फैलाने का काम किया है वो दूसरों को ना दे उपदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, तेज गति से आगे बढ़ रहा है राज्य, 2028 तक इंदौर से उज्जैन तक जाएगी मेट्रो। बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर लड़ेंगी एमपी विधानसभा चुनाव, दोनों दलों ने किया गठबंधन का ऐलान। एमपी के चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के बड़े नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, सियासत में किसी को पीछे नहीं धकेला जाता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं को हराने वाली है एमपी की जनता। 5 अक्टूबर को जारी होगा राजस्थान सरकार का विजन दस्तावेज, झुंझुनू में सीएम गहलोत ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर प्रहार, कहा राजस्थान में सरकार हो चुकी है समाप्त, सिर्फ सर्कस बचा। राजस्थान में मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ का पोस्ट, सीएम गहलोत ने तेजी से की मदद। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा दे केंद्र सरकार, रोजगार आवास सहित कई मुद्दों पर होगा प्रदर्शन।
टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कल पार्टी का प्रदर्शन। जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू के बेटे को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने किया तलब, 4 अक्टूबर को हाजिर होने को कहा। जेल में बंद कांग्रेस विधायक खैरा के बेटे का आरोप है, नशे की तस्करी के आरोप में फंसाया गया है। मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्बा बोले, सबूत के आधार पर कार्रवाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने खैरा की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक बदलाखोरी, बदले की भावना से नाम जोड़ा। स्कॉटलैंड के गुरुद्वारा में भारतीय उच्चायुक्त को रोकने का मामला, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने घटना को बताया अपमानजनक। यूके सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने कहा, पश्चिमी देशों ने खालिस्तानियों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। पूर्व राजनीतिक रुचि घनश्याम बोले, यूके में कानून का पालन करता है सिख समुदाय, चंद भ्रमित लोगों ने की बदसलूकी। पश्चिमी दिल्ली में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला, क्लिनिक में घुसकर चाकू से हमला, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश। यूपी के शामली में युवक पर चाकू से हमला, वारदात में कई लोग थे शामिल, हमलावर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डॉक्टर दंपति को गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक ने खुद को भी मारी गोली, प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या। बरेली में अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम की जेल प्रबंधन से मांग, बैरक में अपने साथियों के साथ रहना चाहता है सद्दाम। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, कनाडा से देश में सप्लाई की जा रही है ड्रग्स, जब्त करीब 2.5 लाख रुपए की कोकीन और 46 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त, कुरियर कंपनी से भेजी जाती थी नशे की खेप। गुजरात की गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, ड्रग्स रैकेट के खिलाफ लगातार काम कर रही है सरकार। दिल्ली के वजीराबाद में धर्मांतरण का दावा, बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता पर युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंबई में ईद के जुलूस के दौरान महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, शनिवार को किया गया कोर्ट में पेश। तमिलनाडु के नीलगिरी में हादसा, खाई में गिरी टूरिस्ट बस, 8 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने जताया हादसे पर दुख, मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजा। मुंबई में पटरी से उतरी मालगाड़ी, पनवेल से वसई की ओर जा रही थी ट्रेन। भदोही में हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। राजस्थान में आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंपों की हड़ताल, वैट कम करने की मांग। लखीमपुर खीरी में गांव के बेहद करीब अब पहुंचा बाघ, राहगीर ने बनाया वीडियो। आज से सैलानियों के लिए खुला एमपी का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मॉनसून सीजन खत्म होते ही शिमला में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, नजर आ रही है सैलानियों की भीड़।